नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ओटीटी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और ये एक ऐसी घोषणा है जो कि ओटीटी के तौर तरीके और इनके राह को एक नया मोड़ दे सकती है। और ये घोषणा ये है कि गुलाबो सीताबो, जो कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म है, वो अब सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी, सीधे ओटीटी पे रिलीज होगी। ये फिल्म रिलीज होगी अमेजन प्राइम पे और एक साथ 200 देशों में ये रिलीज होने वाली है। ये जो फिल्म है गुलाबो सीताबो, ये बनके तैयार थी, रिलीज का इंतजार था, लेकिन लॉकडाउन के चलते सारा काम ठप पड़ गया है। तो ऐसे में गुलाबो सीताबो को लेकर बात हो रही थी, ऑनलाइन रिलीज के लेकर के कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि अमेजॉन पे ये रिलीज हो सकती है और अमेजॉन ने शायद एक भारी भरकम रकम भी ऑफर किया है इस फिल्म को रिलीज करने को लेकर के। तो दोस्तों, ये जो एक घोषणा है, ये आपके सिनेमा देखने के एक्सपीरियंस को बदल सकती है और सिनेमा के रिलीज करने के तौर तरीके को भी बदल सकती है। हो सकता है कि एक नया तरीका हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। देखिए दोस्तों, ये जो फिल्म है ये कई मायनों में खास है। देखिए, अमिताभ बच्चन इसमें एक अलग भूमिका में नजर आने वाले हैं, लेकिन इसके रिलीज भी अब बहुत खास होने वाली है। देख कि ओटीटी पे यह फिल्म रिलीज होने वाली है, ये शायद पहली बड़ी फिल्म है जो सीधे ओटीटी पे रिलीज हो रही है। अमिताभ बच्चन की यह पहली फिल्म है जो ओटीटी पे रिलीज हो रही है और ये जो फिल्म है ये कहा जा रहा है कि एक पारिवारिक फिल्म होने वाली है, बहुत साफ सुथरी फिल्म है जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है। तो जो इसका एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आगे भी ओटीटी के रिलीज के लिए कोई नया रास्ता बनाने वाला है, या हो सकता है कि इससे कुछ नई जानकारी, कुछ नया संदेश फिल्म निर्माताओं को भी मिले और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी मिले। हालांकि देखिए, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है धूमकेतु, कई सालों से वो बन रही थी और उसके भी ओटीटी पे रिलीज होने की घोषणा भी पिछले दिनों हुई थी। ये फिल्म आएगी G5 पे। इसके अलावा कई और बड़ी फिल्में जो कि रिलीज का इंतजार कर रही हैं और लॉकडाउन के चक्कर में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, उनके भी ओटीटी पे रिलीज होने की चर्चा थी। कुछ फिल्में हैं जैसे कि फिल्म है 83। ये फिल्म जो है वो 83 के वर्ल्ड कप पर आधारित है और रणवीर सिंह जैसे कलाकार इसमें कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं, तो बहुत ही आकर्षक ये फिल्म है। अभी से लोगों को इंतजार तो है, लेकिन इसके ओटीटी पे रिलीज होने की चर्चा खत्म कर दी गई एक तरह से। जो कबीर खान है उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इस पर ओटीटी पे रिलीज नहीं करेंगे, सिनेमाघर में आने का ही इंतजार करेंगे। इसके अलावा देखिए, जो अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब है उसके बारे में भी ये चर्चा थी कि लक्ष्मी बॉम्ब की बात हो रही है डिज्नी हॉटस्टार के साथ और वहां वो रिलीज हो सकती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म है झुंड 8 मई को रिलीज होने वाली थी, रिलीज नहीं हो रही है और नहीं हो पाई और अब अमेजॉन से ही उसकी बातचीत होने की चर्चा हो रही है। अभिषेक बच्चन की और राजकुमार राव की फिल्म है लूडो, इसके बारे में भी बात हो रही है। इसके अलावा कई और फिल्में हैं जिनकी ओटीटी रिलीज की चर्चा हो रही है, जैसे कि करण जौहर की गुंजन सक्सेना है या विद्या बालन की है शकुंतला देवी हनुमान कंप्यूटर या भूमि पेडनेकर की दुर्गावती। तो दोस्तों देखिए, यदि लॉकडाउन ये खुलता है तो हो सकता है कि ये फिल्में थिएटर में रिलीज हो जाएं, लेकिन अगर लॉकडाउन जारी रहता है, अभी तक लॉकडाउन के चक्कर में देखिए फिल्म इंडस्ट्री को करीब 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो अगर ये लॉकडाउन जारी रहता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी फिल्में सीधे आपको ओटीटी पर देखने को मिले और ओटीटी का भी इससे फ़ायदा है। देखिए, जैसे ये गुलाबो सीताबो 200 देशों में रिलीज हो रही है और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये तय है कि अमेजॉन की जो व्यूअरशिप है वो भी बढ़ने वाली है, जो इसके सब्सक्रिप्शन है वो भी बढ़ने वाला है। तो अब देखिए, ये फिल्म रिलीज हो रही है 12 जून को, तो 12 जून का आप इंतजार करिए फिल्म देखने के लिए और थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ओटीटी पर रिलीज का क्या असर रहता है और क्या ये एक नई राह खोलता है। तो दोस्तों, 12 जून का इंतजार करिए, जब गुलाबो सीताबो रिलीज होगी, वो फिल्म जब आएगी तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखिए, और जब फिल्म आएगी तो मैं रिव्यू लेकर के तो फिर आऊँगा ही। तब तक देखिए आप मेरे वीडियोज़, मेरे चैनल को पसंद करिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि अभी अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।